Very good morning to all of you. Myself Nosma Sharma. Today again we will discuss different adjustment like interest on capital, interest on borrowing and interest on a loan. इस वीडियो के बाद आप पूंजी पर ब्याज, आहरण पर ब्याज और लोन पर ऋण पर ब्याज समायोजनों को किस तरह से अंतिम खातों में लिखते हैं ये जान पाएंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में सबसे पहले हम पढ़ते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो पूंजी पर ब्याज, पूंजी वह राशि होती है जो व्यवसाय के स्वामी द्वारा व्यवसाय को चलाने के लिए लगाई जाती है। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली हमने पढ़ा है कि व्यवसाय का स्वामी और व्यवसाय दोनों अलग अलग एंटिटीज होती हैं, दोनों का पृथक अस्तित्व होता है। इसलिए व्यवसाय का स्वामी जब व्यवसाय को लगाने के लिए पूंजी इन्वेस्ट करता है तो वह पूंजी जो है वो व्यवसाय के लिए दायित्व बन जाता है और इस दायित्व पर जब इंटरेस्ट दिया जाता है तो वो भी एक व्यवसाय के लिए जो है वो खर्चा बन जाता है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो व्यवसाय के लिए एक्सपेंस होता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल समायोजन की जो रोजनामचा प्रविष्टि होती है वो होती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल व्यवसाय के लिए खर्च होता है इसलिए नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम्स। तो इसलिए जो फर्स्ट एंट्री होती है वो होती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड। सेकंड एंट्री, क्योंकि ये एक एक्सपेंस होता है इसलिए सेकंड एंट्री इस इंटरेस्ट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करने की होती है, वो होती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन अ कैपिटल अकाउंट। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अंतिम खातों पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो हमने पहले भी डिस्कस किया है कि कोई भी समायोजन जो होता है, जो तलपट के बाहर दिया गया होता है, उसका अंतिम खातों पर दोहरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो पूंजी पर ब्याज है वो एक व्यवसाय के लिए खर्चा होता है, इसलिए जो है इसका फर्स्ट इफेक्ट जो होता है इट इज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसे लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष में दिखाया जाता है क्योंकि यह एक अप्रत्यक्ष व्यय होता है। सेकंड इफेक्ट जो इसका होता है दैट इट इज एडेड टू कैपिटल इन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट, इसे स्थिति विवरण के दायित्व पक्ष में पूंजी में जमा कर दिया जाता है। तो इसके दोनों प्रभाव क्या हुए, फर्स्ट इसे लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष में एक खर्चे के रूप में दिखाया जाता है और दूसरा इफेक्ट जो है इसका इसे स्थिति विवरण के दायित्व पक्ष में पूंजी में जमा कर दिया जाता है। अब हम एक एग्जांपल की सहायता से इसे समझते हैं। सपोज हमारे पास ट्रायल बैलेंस दिया है और ट्रायल बैलेंस में दिया है कैपिटल जो है वो 20,000 रुपए है, मशीनरी 10,000 है, कैश 5,000 है, इसी तरह डिफरेंट हमें बैलेंसेस दिए हुए होते हैं डिफरेंट अकाउंट्स के। एडजस्टमेंट के तौर पे हमें दिया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड एट द रेट ऑफ 10% की पूंजी पर ब्याज जो है वो 10% लगाया गया। तो सबसे पहले हम इसकी रोजनामचा प्रविष्टि करते हैं। तो जर्नल प्रविष्टि में, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट और 20,000 है, तो 20,000 पे अगर आप 10% कैलकुलेट करें तो ये वैल्यू आती है हमारे पास 2,000। तो रोजनामचा प्रविष्टि जो इसकी होगी वो होगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड। अब अंतिम खातों पर इसका प्रभाव, तो सबसे पहले हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, क्योंकि ये एक खर्चा है, व्यय है, इसलिए इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में लिखा जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2,000।
और दूसरा इफेक्ट जो इसका होगा बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में, क्योंकि कैपिटल जो है वो लायबिलिटी साइड में दिखाई जाती है, तो इसलिए कैपिटल 20,000 सबसे पहले लिखेंगे, प्लस उसमें हम ये इंटरेस्ट जो है उसको जमा कर देंगे, और अगर हमारे पास नेट प्रॉफिट है तो वो जमा हो जाता है, और अगर ड्रॉइंग्स है तो वो हमारे पास माइनस हो जाती है। तो इस तरह से हमने जो है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में पढ़ा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को फाइनल अकाउंट में हम कैसे लेते हैं। तो नेक्स्ट एडजस्टमेंट जो अब हम डिस्कस करेंगे दैट इज इंटरेस्ट ऑन अ ड्रॉइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स आहरण, जब व्यवसाय का स्वामी अपने व्यक्तिगत प्रयोग के लिए व्यवसाय से राशि निकालता है तो उसे ड्रॉइंग आहरण कहा जाता है, क्योंकि व्यवसाय का स्वामी व्यवसाय से पृथक होता है। इसलिए जब व्यवसाय का स्वामी व्यवसाय से व्यक्तिगत प्रयोग के लिए राशि निकालता है और उस पर ब्याज दिया जाता है, तो यह ब्याज जो है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो है ये व्यवसाय के लिए इनकम बन जाती है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की रोजनामचा प्रविष्टि जर्नल एंट्री जो होती है वो होती है ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट बीइंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज्ड, क्योंकि ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो है वो व्यवसाय के लिए इनकम होती है, इसलिए सेकेंड एंट्री जो इसकी होती है, क्योंकि इनकम जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में ट्रांसफर की जाती है, इसलिए जो सेकेंड एंट्री इसकी है वो है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बीइंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेक्स्ट नाउ द ट्रीटमेंट इन द फाइनल अकाउंट, अंतिम खातों में जो है आहरण पर ब्याज को कैसे लिया जाता है, क्योंकि यह एक व्यवसाय के लिए इनकम होती है और इनकम को लाभ हानि खाते के क्रेडिट पक्ष में लिखा जाता है। तो इसका फर्स्ट इफेक्ट जो होगा इट इज क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसे लाभ हानि खाते के क्रेडिट पक्ष में दिखाया जाता है। एंड द सेकेंड इज इट इज एडेड टू ड्रॉइंग एंड डिडक्टेड फ्रॉम कैपिटल, इसे स्थिति विवरण के दायित्व पक्ष में आहरण में जमा करके पूंजी में से घटा दिया जाता है। तो इसके दो इफेक्ट जो हुए, पहला इफेक्ट इसका हुआ कि इसको लाभ हानि खाते के क्रेडिट पक्ष में लिखा जाएगा, और नंबर दूसरा इफेक्ट इसका होगा बैलेंस शीट में पहले इस ब्याज आहरण पर ब्याज को आहरण में जमा किया जाएगा और फिर इस राशि को जो है वो पूंजी में से घटा दिया जाएगा। नाउ लेट अस वी विल डिस्कस विद द हेल्प ऑफ ए एग्जांपल। सपोज हमारे पास ट्रायल बैलेंस है, इसमें कैपिटल 20,000 दी है, मशीनरी 10,000 है, कैश 5,000 है, ड्रॉइंग्स की वैल्यू भी हमें 5,000 दी गई है, और एडजस्टमेंट में लिखा है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 500, आहरण पर ब्याज जो है वो 500 रुपये है समायोजन में। तो सबसे पहले इसकी जो रोजनामचा प्रविष्टि होगी जर्नल एंट्री होगी वो होगी ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट 500 500 बी की इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज्ड। सेकेंड एंट्री जो कि मैंने आपको बताया कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो है वो एक इनकम है, इसीलिए इसे लाभ हानि खाते के क्रेडिट पक्ष में लिखा जाता है, तो सेकेंड एंट्री जो होगी वो होगी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बीइंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब आता है ट्रीटमेंट कि इसका अंतिम खातों पर क्या प्रभाव होगा, तो क्योंकि ये एक इनकम है तो इनकम को लाभ हानि खाते के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट पक्ष में दिखाया जाता है, पहला इफेक्ट, और दूसरा इफेक्ट इसे स्थिति विवरण बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में सबसे पहले देखो हमने कैपिटल लिखी 20,000, अगर नेट प्रॉफिट है तो उसे हम यहां पे जमा कर देंगे, ठीक है, और माइनस कर देंगे हम ड्रॉइंग्स को, तो ड्रॉइंग्स हमारे पास कितने दी है 5,000, और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को इसमें जमा कर देंगे, इसका मतलब टोटल जो हम माइनस करेंगे अब कैपिटल में से वो हम माइनस करेंगे 5,500, तो 5,500 को माइनस किया तो 14,500। तो इस तरह से आपने देखा कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का पहला इफेक्ट जो हुआ वो लाभ हानि खाते के क्रेडिट पक्ष में हुआ, और दूसरा जो है बैलेंस शीट में इसे हमने ड्रॉइंग्स में ऐड करके उसे पूंजी में से घटा दिया। क्लियर। अब हम नाउ वी विल डिस्कस द नेक्स्ट एडजस्टमेंट इज इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन, ऋण पर ब्याज,
व्यवसाय में व्यवसाय का स्वामी कई बार व्यवसाय के विस्तार के लिए जो है वो ऋण लेता है। ये ऋण जो है वो एक व्यवसाय के लिए दायित्व तो होता है, ठीक है। तो उस पर जो ब्याज दिया जाता है वो व्यवसाय के लिए खर्च बन जाता है। यदि ये इंटरेस्ट ऑन लोन या ऋण पर जो ब्याज है वो समायोजन में दिया गया है, इसका मतलब इसका लेखा अंतिम खाते बनाने पर नहीं हुआ है, ये अभी जो ऋण पर ब्याज है वो आउटस्टैंडिंग है, अद्यत है, तो सबसे पहले इसकी रोजनामचा प्रविष्टि जो है वो होगी इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट बीइंग इंटरेस्ट ऑन लोन अलाउड या ड्यू। सेकेंड एंट्री, क्योंकि ये इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो एक व्यवसाय के लिए खर्च है, इसलिए जो एक्सपेंसेस होते हैं, जो खर्चे होते हैं, उन्हें लाभ हानि खाते के डेबिट साइड में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो सेकेंड एंट्री जो होगी वो होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन अ लोन अकाउंट। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है कि इसका अंतिम खातों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ट्रीटमेंट इन द फाइनल अकाउंट। तो फर्स्ट इफेक्ट इसका होगा, क्योंकि ये एक खर्चा है इसलिए इसका द फर्स्ट इफेक्ट होगा इट इज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसे लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष में दिखाया जाता है क्योंकि ये एक व्यय होता है। नंबर दो पे इसका दूसरी इफेक्ट जो होगा वो इट इज एडेड टू द लोन इन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट, क्योंकि लोन जो है वो व्यवसाय का दायित्व तो होता है, इसलिए उस पर जो ब्याज जो अभी नहीं दिया है देय है उसे भी उसमें जमा कर दिया जाता है। इसलिए इसका दूसरा प्रभाव जो होगा वो होगा दायित्व तो पक्ष में ऋण में इसे जोड़ दिया जाता है। अब हम इसे एक क्वेश्चन की सहायता से, एक एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। सपोज हमारे पास ट्रायल बैलेंस दिया है जिसमें कैपिटल 20,000 है, मशीनरी दी है 10,000, कैश दिया है 5,000, लोन दिया है हमारे पास 10,000 रुपया, ठीक है। तो ये लोन से संबंधित हमारे पास रोजनामचा प्रविष्टि है, एडजस्टमेंट है। तो एडजस्टमेंट देखें हमारे पास जो है वो इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो 500 रुपीज है, जो कि समायोजन हमें दिया है, तलपट के बाहर वो दिया है 500 रुपया। तो सबसे पहले इसकी हम रोजनामचा प्रविष्टि करते हैं। तो इसकी रोजनामचा प्रविष्टि होगी इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट 500 500 बीइंग इंटरेस्ट ऑन लोन ड्यू। फिर क्योंकि यह एक खर्चा है इसलिए इसे लाभ हानि खाते के डेबिट साइड में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट बीइंग इंटरेस्ट ऑन लोन ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये इसकी नरेशन होगी। अब हमारे पास आता है कि इसका अंतिम खातों पर क्या प्रभाव होगा। तो क्योंकि एक इंटरेस्ट ऑन लोन जो है, ऋण पर ब्याज जो है वो एक अप्रत्यक्ष व्यय है, और अप्रत्यक्ष व्यय जो है वो लाभ हानि खाते में लिखे जाते हैं, इसलिए इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष में एक्सपेंस के रूप में दिखाया जाएगा, टू इंटरेस्ट ऑन लोन 500 500, ठीक है। और इसका दूसरा इफेक्ट, क्योंकि ये जो लोन है ये एक व्यवसाय का दायित्व तो है, क्या है, दायित्व तो है, तो ये एक व्यवसाय का दायित्व तो है, तो दायित्व तो है, तो इसे हम लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे। तो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में अगर हमारे पास कैपिटल है तो उसमें नेट प्रॉफिट जमा कर दिया जाता है, ड्रॉइंग्स माइनस कर दिया जाता है। तो लोन हमारे पास दिया है 10,000 जो कि दायित्व तो है, और इस पर ब्याज जो कि 500 रुपये अभी नहीं दिया गया है, तो इस ब्याज को हम इस लोन की राशि में जमा करके दिखाएंगे। तो 10,000 में 500 जमा किए, 10,500। तो इस तरह से ऋण पर ब्याज जो होता है उस समायोजन को लाभ हानि खाते के डेबिट साइड में दिखाया जाता है, और दूसरा उसे ऋण की राशि में जोड़कर दायित्व पक्ष में दिखाया जाता है। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आहरण पर ब्याज, और इंटरेस्ट ऑन लोन ऋण पर ब्याज, समायोजन का अर्थ, उनकी रोजनामचा प्रविष्टियां, और उनका अंतिम खातों पर क्या प्रभाव होता है ये डिस्कस किया। तो आई होप ये समायोजन जो है इनका अंतिम खातों में क्या प्रभाव होता है ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।